Hello everyone, I am Dietitian Archana and today we are discussing food for people with osteoporosis. Osteoporosis क्या है? Osteoporosis मतलब weak bones. और जिस तरह से आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, हनीकॉम्ब अपीयरेंस होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसी तरह हमारे बोन्स का जो अगर आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उस तरह का आपको अपीयरेंस दिखता है. अब होता क्या है ऑस्टियोपोरोसिस में कि ये जो स्पेसेस होती हैं बीच में हनीकॉम्ब अपीयरेंस के बीच में जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस बढ़ने लग जाती हैं. कॉजेज वी विल टेल यू, लेकिन ये जो स्पेसेस बढ़ने लगती हैं इसकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं एंड दे बिकम मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स. सो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता कब है? एज के साथ साथ चांसेस बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के. कॉजेज हैं इसका, नंबर वन एज, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज. ऑल्सो 30s में आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही बोन ब्रेकिंग प्रोसेस वो फास्ट हो जाता है एज एंड रिप्लेसमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, ड्यू टू विच द यू नो योर बोन्स आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस वंस यू एंटर इनटू 30s. मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज में विमेन में इट इज़ वेरी कॉमन, ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन थिंग दैट यू कैन सी. देन इन मेन एजेड 65 to 70 चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस ये बढ़ जाते हैं. जो रेट है वो सेम हो जाता है विमेन एंड मेन में पोस्ट 60-65 ईयर्स ऑफ एज. नाउ वॉट कैन वी डू इफ यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, वॉट कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ डाइट अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो. तो पहले तो हमें किन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है? नंबर वन कैल्शियम. वी नो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर यू नो द स्ट्रेंथ, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स, बोन फॉर्मेशन. तो कैल्शियम है. दूसरा है विटामिन डी. विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इसलिए विटामिन डी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. थर्ड इज प्रोटीन. योर बोन्स हैव प्रोटीन एंड यू नीड मोर प्रोटीन ताकि आपकी बोन स्ट्रेंथ बनी रहे. नंबर फोर्थ इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज अ मिनरल जो कि बोन की डेंसिटी के लिए ज़रूरी है, तो मैग्नीशियम रिच फूड भी हमें इंक्लूड करना है डाइट में. एंड लास्ट इज विटामिन के. विटामिन के रिसर्च में देखा गया है कि विटामिन के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्रैक्चर के रेट्स, जिन लोगों ने विटामिन के सप्लीमेंट्स लिए उनमें फ्रैक्चर के रेट्स कम हो गए और ऑस्टियोपोरोसिस जिनको था उनमें बोन की डेंसिटी वापस बढ़ी. तो विटामिन के इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट. अदर देन दिस जिंक एंड विटामिन सी इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू. और जिंक भी आपकी बोन की मिनरल डेंसिटी जो है उसको बढ़ाता है. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम डाइट में कैसे इंक्लूड करें, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम है, देन विटामिन के है एज वेल एज फोलिक एसिड है. तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक हम डाइट में बढ़ाएंगे जिससे कि डेफिनेटली हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, नट्स एंड सीड्स में जिंक, मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं जो कि बोन की डेंसिटी के लिए ज़रूरी हैं, ये नट्स और सीड्स में पाए जाते हैं. तो आमंड्स, पम्पकिन सीड्स, यू इंक्लूड कैशू नट्स. नट्स एंड सीड्स का वन सर्व यू हैव टू हैव इन अ डे. नाउ नेक्स्ट इज द एग्स. Eggs are a good source of vitamin D, B12 and plus protein also. It has high quality, good quality protein. Agar aap vegetarian hain, to eggs bhi include kariye diet mein. Now next is dairy products. Calcium ka jo major source hai, wo dairy hai. Milk, yogurt, cheese, ye cheeze diet mein aap include kariye. Agar lactose intolerant hai, then you can try curd. Curd bahut logo ko suit kar jati hai jo lactose intolerant hote hain. और अगर वो भी नहीं करती है देन इन दैट केस यू कैन सर्च फॉर सम वीगन सोर्सेज, अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम लाइक टोफू, सोयाबीन, आमंड मिल्क, फोर्टिफाइड आमंड मिल्क, फोर्टिफाइड सोया मिल्क. सो दीज कैन बी इंक्लूडेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड दैट वी नीड टू लिमिट इफ वी हैव ऑस्टियोपोरोसिस. नंबर वन इज हाई सॉल्ट डाइट. सोडियम कम करेंगे क्योंकि सोडियम जो है वो रिलीज कैल्शियम को रिलीज बढ़ा देता है, तो एक्सक्रीशन कैल्शियम का बेसिकली बढ़ा देता है. और इसलिए हाई सोडियम वाला फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, सॉल्टी चिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू कट डाउन. सेकेंडली अल्कोहल. अल्कोहल ऑल्सो कैन लीड टू बोन लॉस. सो अल्कोहल कैन लीड टू बोन लॉस.
सो एल्कोहल भी हमें लिमिट करना है. नंबर 3 इज बीन्स एंड लेग्यूम्स. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द बीन्स एंड लेग्यूम्स दे हैव समथिंग नोन एज फाइटेट्स. दे कुछ कंपाउंड्स हैं, फाइटेट्स हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का वो कम कर देते हैं. सो जितनी भी दाल, बीन्स, राजमा, आप छोले बनाते हैं, उसको 2-3 घंटे आप पानी में सोक करते हैं, जिससे फाइटेट लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और दिस कैन देन बी टेकन. नंबर 4 इज़ कैफीन. कैफीन प्रेजेंट इन कॉफ़ी कैन डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सो कॉफ़ी का इनटेक थोड़ा सा कम करिए. आई होप ये सारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी. अगर इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.